Hi everyone, hope you are doing good. Today we are going to talk about biofuels in India, उनसे related technology और उनका India में क्या potential है, उनके uses का और इससे related future prospects क्या हो सकते हैं. This lecture is presented to you by me, Priyadarshna Jain. So let's start. पहले तो हम ये समझते हैं कि biofuels होते क्या हैं. They are the fuels produced directly or indirectly from organic material. Organic material का मतलब है जो living चीज़ों से मिलता है, मतलब जिसे हम कहते हैं biomass, जिसमें आपके plant का भी waste आ जाता है और that is your animal waste also, plants and animals both. तो इन दोनों से मिली हुई चीज़ें जो आपको directly और indirectly fuel provide करती है, उस fuel को हम biofuel कहते हैं और वो जो raw material है उसको हम biomass कहते हैं. दिस बायोमास कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. ये डेड मास है जो कि एक टाइम पर लिविंग हुआ करता था. तो एक बात समझने की ज़रूरत है, रिन्यूएबल सोर्स है मतलब इसमें आपको एग्जॉस्ट होने वाला कोई टेंशन नहीं है रिसोर्स का. दे आर लो इन कार्बन इंटेंसिटी सो दे डोंट डायरेक्टली अफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग एंड कॉल्ड अ क्लीन फ्यूल. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बन इंटेंसिटी कम होती है और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन जो है उसकी मात्रा बढ़ाने में ये सहायक नहीं होते हैं. तो बायोफ्यूल्स जो हैं इनका अपना एडवांटेज है. जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं. ऑल दिस प्रोसेस वी नो वेरी वेल. द प्लांट मे प्रोड्यूस बायोमास दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. और ये बायोमास क्या होते हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं, तो उसमें नंबर वन होता है वुड जो कि ऑलरेडी यूज़ किया जाता है. वुड भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही है लेकिन इसको जलाने से पोल्यूशन ज़्यादा होता है इसलिए हम उसको जो है डिस्करेज करते हैं. बायोगैस एक होता है, बायोगैस भी एक ऐसा फ्यूल है जो आपको प्लांट्स से मिलता है. और तीसरी एक चीज़ है अल्कोहल. सो हाउ इट टर्न्स दैट वुड जो है वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जा सकता है. बायोगैस जो है इट इज़ मेनली मिथेन, रिमेंबर दिस थिंग, बायोगैस इज़ मेनली मिथेन. इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट इन डाइजेस्टर्स. बायोगैस को जो है वो डाइजेस्टर्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, उसका पूरा एक प्लांट होता है. और फिर अल्कोहल का नंबर आता है. अल्कोहल जो है इसे हम कहते हैं इस फ्यूल के टर्म्स में बायो इथेनॉल. इट इज़ मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स एंड कैन बी मिक्स्ड विद पेट्रोल. दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड गैसोल. जो अल्कोहल होता है वो कुछ पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल्स को फर्मेंट करके बनाया जाता है और फिर उसकी ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल के साथ, मिक्सिंग की जाती है और इस मिक्सचर को गैसोल कहा जाता है. और ये जो गैसोल है ये क्लीन फ्यूल कंसिडर किया जाता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड बेटर देन गैसोलिन, पेट्रोलियम एंड डीजल. नाउ अगर हम देखें कि बायोमास तो बायोगैस, तो बायोगैस क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर दी है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड वेस्ट रॉट्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की एक्शन की वजह से जब कोई चीज़ें सड़ जाती है, ऑर्गेनिक चीज़ें सड़ जाती है, तो वहाँ पर मीथेन निकलती है. तो वो जो मीथेन होती है उसको ट्रैप करके फ्यूल के रूप में यूज़ किया जा सकता है. दिस इज़ एक्चुअली बायोगैस. नाउ एक बात समझिए कि बायोगैस जो होती है वो नेचुरल ऑकरिंग होती है. हालांकि नेचुरल ऑकरिंग बायोगैस जो है उसे आप ट्रैप नहीं कर सकते हो, इसलिए उसे ट्रैप करने के लिए आप आर्टिफिशियली प्लांट्स का यूज़ करते हो जिन प्लांट के अंदर इस गैस को ट्रैप करके इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है. तो इस तरीके से बायोगैस यूज़ होती है. नॉर्मली जो गैसोलीन होता है, डीजल है, पेट्रोल है, कोल है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. फॉसिल वो होते हैं जो बहुत साल पुराने डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे बने हुए हैं, तो उनको बनने में सालों लग जाते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे जल्दी क्योंकि उनको बनने में फिर ईयर्स लगेंगे. बट जो बायोफ्यूल है वो भी प्लांट्स और एनिमल्स से ही बन रहा है लेकिन ये है कि उसको बनने में इतने ईयर्स नहीं लगते, हम उसको इंस्टेंटली बना सकते हैं. तो कुछ लिक्विड बायोफ्यूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं, तो ऐसे लिक्विड बायोफ्यूल के नाम है इथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोजेट फ्यूल. तो जो इथेनॉल होता है वो गैसोलीन की तरह ही बर्न होता है और कार्स वगैरह में यूज़ किया जा सकता है. बायोडीजल जो है वो भी उन डीजल इंजन्स के अंदर यूज़ किया जाता है जहाँ पे नॉर्मली डीजल यूज़ करते हैं, जैसे ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वहाँ पर आप बायोडीजल यूज़ कर सकते हो. और बायोजेट जो है वो हैवी व्हीकल्स हैं जैसे एरोप्लेन्स, वहाँ पर यूज़ किया जाता है.
नाउ जो इथेनॉल की बात हम कर रहे थे, इथेनॉल जो होता है वो एक रिन्यूएबल लिक्विड होता है जो फर्मेंटेशन से बनता है, जैसे हमने देखा। तो कुछ अलग अलग जगहों पर अलग अलग वस्तुओं का फर्मेंटेशन किया जाता है, जैसे यूएस के अंदर कॉर्न के फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनाया जाता है, ब्राज़ील के अंदर शुगर केन यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ अबंडेंट हो, जो अधिक मात्रा में अवेलेबल है, वहाँ पर उस फूड प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। तो इथेनॉल जो है वो फूड मटीरियल्स के फर्मेंटेशन से बनाया जा रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है और हमें नोट करनी है। दे कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर टू ग्रेसिफिकेशन विच यूज़ हाई टेम्परेचर। गैसिफिकेशन एक मेथड होती है जिस मेथड के थ्रू भी इथेनॉल जो है वो बनाया जा सकता है। इथेनॉल इज़ कम्बाइंड विद गैसोलिन फॉर इंक्रीजिंग ऑक्टेन। ऑक्टेन नंबर ऐसा होता है कि फ्यूल जो होता है उसका जितना हाई ऑक्टेन नंबर होगा वो उतना जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन जो है वो रिड्यूस करेगा, उतना पोल्यूशन कम करेगा। तो पेट्रोल और डीजल के साथ जब इथेनॉल को मिक्स करते हैं, उसकी ब्लेंडिंग करते हैं, तो उसका ऑक्टेन नंबर रिड्यूस हो जाता है। दिस यू शुड कीप इन माइंड फॉर योर प्रिलिम एग्जामिनेशन। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन सेल्यूलोजिक इथेनॉल इनेबल द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम वेस्ट सेल्यूलोज। ये तो बात हो गई कि कॉर्न और शुगर केन से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो यूजफुल फूड क्रॉप्स है। तो ये चीज़ डिबेट में रहती है हमेशा कि जो फूड प्रोडक्ट्स हमारे यूज़ में आना चाहिए वो बायोफ्यूल में यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी को हर्ट करेगा। तो इसलिए अभी रिसेंटली एक नया बायोफ्यूल जो है वो प्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्यूलोजिक इथेनॉल, जो कि सड़े हुए फूड प्रोडक्ट से या उनके बाय प्रोडक्ट से बनाया जाता है। तो सच काइंड्स ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन फ्यूचर। देन बायो डीजल, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल विथ रिसाइकल कुकिंग ग्रीस, एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो किसी चीज़ों से मिलकर के बनाया जाता है, और साइंटिस्ट ने भी एल्गा और बैक्टीरिया को री इंजीनियर करके भी बायो डीजल बनाने की कोशिश की है। सो इट इज़ अ हाईली कम्बस्टेबल लिक्विड दैट बर्न्स रेडिली अपॉन मिक्सिंग विद पेट्रोलियम बेस्ड डीजल फ्यूल। तो डीजल के साथ इसकी ब्लेंडिंग की जाती है बायो डीजल की। फिर बायो ब्यूटेनॉल होता है, ये भी एक टाइप का फ्यूल है जो कि बहुत कम एक्चुअली इसके बारे में जाना जाता है। ये भी एक प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड करता है। दिस कैन बी डायरेक्टली यूज इन स्टैंडर्ड गैसोलीन इंजन्स विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। बायो ब्यूटेनॉल जो है उसके अंदर कोई ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, लेकिन बायो ब्यूटेनॉल पर अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो नहीं मिली है उसे बनाने में। नाउ एक बात समझिए, जो सोर्स यूज्ड टू मेक बायोफ्यूल इज कॉल्ड फीड स्टॉक। जिस भी सोर्स का यूज़ किया जा रहा है उस सोर्स को फीड स्टॉक कहा जाता है, जैसे कि हमने देखा इथेनॉल। तो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, इन प्रोडक्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। कॉर्न, शुगर कैन, शुगर बीट, देन वीट, कसावा, ग्रास, देन इन एडिबल पार्ट्स ऑफ द मोस्ट प्लांट्स जो कि हम लोग नहीं खाते हैं, डैमेज्ड फ्रूट ग्रेन्स, रॉटन राइस, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। और जो बायोडीजल है वो भी प्रोड्यूस किया जाता है पर्टिकुलर फीड स्टॉक्स है, उसमें एक है जट्रोफा, अ कैक्टस लाइक प्लांट होता है जट्रोफा, देन कैमेलिना, रैपसिड ऑयल, पाम ऑयल, पीनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, अलगा ऑयल, सोयाबीन्स, ये सारे वो चीज़ें हैं जिनसे कि जो आप फ्यूल है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सारी लिस्ट आपको प्रिलिम्स में बहुत हेल्प करेगी, सो जस्ट मग अप दैट लिस्ट फॉर योर प्रिलिम एग्जामिनेशन। नाउ एक बात बहुत अच्छे से है, बायोफ्यूल पॉलिसी को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बायोफ्यूल की कितनी जनरेशन्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुई है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट जनरेशन आती है जहां बायो इथेनॉल जो है वो फूड क्रॉप्स से प्रोड्यूस होता है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे शुगर केन, कॉर्न, इनको फर्मेंट करके बायोथेनॉल बनाया जाता है, ये फर्स्ट जनरेशन फ्यूल कहलाता है। दे हैव बीन ब्लेम्ड फॉर ग्लोबल इंक्रीज इन फूड प्राइसेस। जैसा मैंने बताया फूड सिक्योरिटी आपके खतरे में आ जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी फूड की, तो उस फूड की प्राइस बढ़ जाएगी। दे आर ब्लेम्ड फॉर एंडेंजरिंग फूड सिक्योरिटी। देयर एक्चुअल बेनिफिट एंड रिडक्शन ऑफ GHG इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिबेटेबल। जैसा कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं, तो उनका एक्चुअली रिडक्शन हो रहा है इस बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट है। तो अल्टीमेटली फर्स्ट जनरेशन को आप कंप्लीटली क्लीन फ्यूल नहीं कह सकते हो। दूसरा पॉइंट ये कि फूड क्रॉप से बनाया जाता है। सेकेंड जनरेशन जो है वो इसकी लिमिटेशन को ओवरकम करते हुए प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स, जो कि नॉन फूड क्रॉप से जो आपके लिए एडिबल नहीं है उन चीज़ों से बनाया जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल है वुड, फूड वेस्ट जो खाना वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, रॉटन फूड, ये सारी चीज़ों से आप बना सकते हो, उसको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन। दे इंडिकेट नेट एनर्जी गेन एंड हैंस इंश्योर रिडक्शन ऑफ GHG। उनसे कुछ ऐसे अच्छे साइन देखने को मिले हैं कि दे आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द GHG एमिशन इन द एनवायरनमेंट। सो दिस आर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। नाउ थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के अंदर क्या होता है कि बायोमास का जो प्रोडक्शन होता है उसमें और इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, जैसे कि
उनको स्पेशली इंजीनियर करते हैं, तो स्पेशली इंजीनियर एनर्जी क्रॉप्स होती है जैसे एल्गा, तो एल्गा जो है वो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, तो अल्गा जैसी क्रॉप को यूज़ किया जाएगा थर्ड जनरेशन में। दे अल्गा बेस्ड बायोफ्यूल्स कैन बी मैन्युफैक्चर इनटू वाइड रेंज ऑफ फ्यूल सच एज डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आते हैं। द फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स आर एम्ड एट नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एनर्जी बट ऑल्सो अ वे ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक कदम और आगे चले गए। जैसे थर्ड जनरेशन के अंदर इंजीनियर्ड एनर्जी क्रॉप्स का यूज़ किया जा रहा था में हाई एनर्जी थी, तो ये उस एनर्जी के बियॉन्ड जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको स्टोर करने की बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बायोमास मटेरियल्स व्हिच हैव अब्सॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल ग्रोइंग आर कन्वर्टेड इनटू फ्यूल यूजिंग द सेम प्रोसेसेस एज सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। तो कार्बन को ट्रैप करके उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया जाता है और फिर उसके बाद उसको बायोफ्यूल की तरह यूज किया जाता है। तो ये एक और टेक्नोलॉजी है जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल कहलाते हैं। नाउ एक बात समझिए कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है सोलर, हाइड्रो पावर, दे कैन बी ट्रैक बैक टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। और बायोफ्यूल और बायोडीजल का जो कंसेप्ट है वो अभी लेटेस्ट है, नया नया है, क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रिजर्वायर्स बहुत कम हैं। हमें अभी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक इंटरनेशनल मार्केट में क्वेश्चन मार्क बनी हुई है कि हमें भी फ्यूल और एनर्जी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो हम वो एनर्जी कहाँ से लाएंगे। तो चूँकि फॉसिल फ्यूल की अवेलेबिलिटी हमारे पास कम है तो हमारी इकोनॉमी जो है वो उससे इम्पेक्ट होती है, हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है क्योंकि हम ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, काफ़ी सारा ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें पैसा जो है वो देना पड़ता है ऑयल इम्पोर्ट करने के लिए। तो इन सब को क्लियर करने के लिए जरूरी है कि इंडिया में बायोफ्यूल की कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हो और बायोफ्यूल्स के ऊपर ज्यादा काम किया जाए। चूंकि बायोफ्यूल्स का क्लीन एमिशन प्रोफाइल है, ईज ऑफ यूज है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में बायोफ्यूल जो है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स हैज कम अप इन 2018। दिस पॉलिसी कैटेगराइज बायोफ्यूल्स एज बेसिक फ्यूल्स, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, इस तरीके से यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है। इस डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये कैटेगराइजेशन किस तरीके से किया गया है। पॉलिसी जो है इट एक्सपांड द स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन बाय अलाउइंग शुगर कैन जूस, शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक शुगर बीट, शुगर सॉर्गम, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल लाइक कॉर्न, कसावा, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, ये सारी चीज़ों से इथेनॉल बनाना इस पॉलिसी के अंदर अलाउड है। तो ये सारे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये चीज़ों की लिस्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा। फार्मर्स आर एट रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सरप्लस प्रोडक्शन फेज, टेकिंग दिस इनटू अकाउंट द पॉलिसी अलाउज यूज ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। अगर सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस वजह से क्या होता है कि वो सड़ने लगता है और उसकी जो प्राइसेस है मार्केट में वो फार्मर्स को मिल नहीं पाती है। तो इससे बेटर है कि उसको इथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाए और फिर उसकी ब्लेंडिंग की जाए। तो ये चीज़ इस बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर अप्रूव की गई है। जो बायोफ्यूल्स है इंडिया में उसकी इंपॉर्टेंस है, हमारे सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनमें एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल डेवलपमेंट, सबका संबंध कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है बायोफ्यूल से। तो और ये पॉलिसी इनकरेज करती है सप्लाई चेन मैकेनिज्म सेटअप करने का जिसके अंदर की बायोडीजल प्रोडक्शन होगा नॉन एडिबल ऑयल सीड से, ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा टू जनरेशन को, यूज्ड कुकिंग ऑयल, शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप्स, ताकि इससे जो है हमारी फूड सिक्योरिटी वो खतरे में ना आए। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है पॉलिसी में। बायोफ्यूल प्रोग्राम्स इन इंडिया हैज बीन लार्जली इंपैक्टेड ड्यू टू sustained and quantum non-availability of domestic feedstock for biofuel production which needs to be addressed। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यही है कि जो ये फीड स्टॉक है इसकी अवेलेबिलिटी इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दिस चैलेंज ऑल्सो वी शुड नो वेरी वेल। फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी वेरिंग टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और बायोफ्यूल के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी की एक टेबल है, इसको हम एक बार देख सकते हैं। सो जो रॉ मटेरियल है, जो फीड स्टॉक है, वो इस तरीके से रहता है, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, एल्गा, तो उनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। एल्गा में फर्मेंटेशन, एक्सट्रैक्शन, एस्टरीफिकेशन किया जाता है, उससे बायोडीजल प्रोड्यूस होता है, फिर उसको कहते हैं एल्गा बायोडीजल। तो ये तीन चार तरीके के यहाँ पर फ्यूल दिए हुए हैं, ये फ्यूल का नाम और ये फ्यूल किस तरीके के प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होकर के आ रहा है, दिस लिस्ट यू शुड नो इन पासर टेक्नोलॉजीज कंसर्न। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन जो है अल्गा बेस्ड बायोफ्यूल्स पे 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। सो इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस अल्गा बेस्ड बायोफ्यूल्स बट व्हाट आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री। तो अल्गा बेस्ड बायोफ्यूल्स से रिलेटेड क्या लिमिटेशन है वो यहाँ पे पूछा गया है।
एक चीज़ है, प्रोडक्शन ऑफ अल्गा बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सी ओनली एंड नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट्स. तो ये तो आप समझे सही हो नहीं सकता. अगर ये सी में ही पॉसिबल होता तो इस फ्यूल की जो है प्रोबेबिलिटी ही प्रोडक्शन की बहुत कम हो जाती. तो इस पॉइंट से हम जाते हैं अभी आगे की स्लाइड्स में, हम थोड़ा सा अल्गा बायोफ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा. तो वन जो है वो गलत हो गया, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं. डी जो है वो गलत हो गया, और फिर उसके बाद आपका ए जो है वो भी गलत हो जाता है. देन सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग अल्गा बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन requires high level of expertise until the construction is completed. This is obvious. High level of expertise and technology obviously लगेगा इस अल्गा फ्यूल प्रोडक्शन को. तो दो वो हमारा सही है. तीसरा देख लेते हैं. इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज. चूंकि लार्ज स्केल फैसिलिटीज सेटअप करनी पड़ेगी, आपको हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है इसलिए. विच मेयर इज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स. तो इट इज ऑब्वियस कि इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न्स वहाँ पर रेज हो सकते हैं. तो इसका जो आंसर है वो बी होगा, टू एंड थ्री. अभी हम अल्गा फ्यूल के बारे में और स्टडी करेंगे तो आपको इसके ऑप्शन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. सो नाउ विल टर्न टू अल्गा बेस्ड बायोडीजल. तो जो अल्गा बायोडीजल है, सबसे पहले तो समझे कि माइक्रो अल्गा से प्रोड्यूस किया जाता है. माइक्रो अल्गा आर कंसिडर्ड टू बी अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस रीजंस. क्यों किए जाते हैं अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी इसको कंसिडर? बिकॉज इसकी बायोमास प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है. दे ग्रोथ जो होती है उनकी वो बहुत फास्ट होती है, और इनके अंदर स्टार्च कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. नेचुरली स्टार्च कंटेंट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा बायोफ्यूल मिलेगा. दे आर रिलेटिवली ईजी टू कल्टिवेट. तो ये सारे एडवांटेजेस हैं अल्गा बेस्ड बायोडीजल के. कैन बी कल्टिवेटेड और नॉन अरेबल लैंड और इन वाटर. तो हमने अभी एक ऑप्शन देखा था, उसमें लिखा था कि सिर्फ सी में कल्टिवेट किया जा सकता है, तो वो ऑप्शन ऑब्वियसली गलत हो जाता है. तो एक और चीज़ है, कॉस्ट ऑफ बायोडीजल प्रोडक्शन फ्रॉम अल्गा इज वेरी हाई. जैसा कि ऑब्वियसली कि टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा हाई लगती है, तो कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन की बढ़ जाती है. देन कल्टिवेटिंग अल्गा अंडर रूरल कंडीशन रिक्वायर्स नोवेल मल्टी टायर मल्टी साइक्लिक अप्रोचेज ऑफ शेयरिंग लैंड एरिया और थ्रेट्स टू फूड एंड वाटर सिक्योरिटी एज वेल एज डिमांड ऑफ फॉर एडिशनल फर्टिलाइजर. मतलब ये कि इसमें जो लैंड है वो आपकी एरेबल लैंड जो है वो नॉन एरेबल लैंड भी यूज़ की जा सकती है. तो इसमें आपको जो ये फूड और वाटर सिक्योरिटी की जो थ्रेट होती है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी. आपको उस चीज़ का कोई खतरा नहीं है. मल्टी टायर क्रॉपिंग आप कर सकते हो एक के साथ दूसरी चीज़, अल्गा के साथ आप पैडी जो है उसको कल्टिवेट कर सकते हो. तो लैंड की जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे रिजॉल्व होती दिखाई देती है. फिर हम बात करते हैं सिंथेटिक बायोडीजल की. सिंथेटिक बायोडीजल भी एक तरीके का बायोफ्यूल है. ये प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में. सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है. पॉलीमर मतलब चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं. आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. पॉलीमर्स के लिए आप बस इतना समझ लिए कि मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. तो ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है, उसे सेल्यूलोज कहा जाता है. ये एक सिंपल शुगर है. इट इज़ ईजिली कंज्यूम्ड बाई ईस्ट टू प्रोड्यूस इथेनॉल. ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के टाइम पर आपको ईस्ट की जरूरत पड़ती है, और ये ईस्ट जो है सेल्यूलोज कंज्यूम करके इथेनॉल प्रोड्यूस करती है. और सेल्यूलोज एक ऐसी चीज़ है जो हर लिविंग बींग प्रोड्यूस करता है. इसके प्रोडक्शन में मेजर चैलेंजेस ये हैं कि फीड स्टॉक मस्ट बी अवेलेबल इन लार्ज वॉल्यूम, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग सेल्यूलोज टू इथेनॉल इज़ वेरी हाई, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा, जो कि इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन फिर भी इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए सेल्यूलोजिक इथेनॉल पे हम लोग बहुत ज़्यादा अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. उसके बाद अगर पोटेंशियल और प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो हमारा एनर्जी कंज्यूमशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 6.5% पर एनम के साथ. तो नेचुरली रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम जो है वो हमारे कम पड़ जाएंगे. इंडिया शेयर ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इज़ अबाउट 1% ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, जबकि कंजम्पशन 3.1% है. तो नेचुरली ये जो बचा हुआ 2.1% है ये हमको कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट करना पड़ता है. हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी है दैट एग्जम्प्ट्स बायोफ्यूल सेक्टर फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़. ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बायोफ्यूल जो है उनको हम बढ़ावा दे सके. 2010 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आई थी, इसमें अप्रूव किया गया था 20% ब्लेंडिंग को, जो कि 2017 से एप्लीकेबल है, और अब 20% ब्लेंडिंग जो है वो होने लगी बायोफ्यूल्स की. ना हमारी जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने रीफिनेंसिंग का एक स्ट्रक्चर बनाया है टू रीफिनेंस द पोटेंशियल फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ बायोफ्यूल्स. बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. दे आर रिप्रेजेंटिंग द बायोफ्यूल सेक्टर, मोर स्पेसिफिकली बायोडीजल इंडस्ट्री एज द कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर मार्केटिंग रिसर्च डेवलपमेंट इन इंडिया, एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द बायोफ्यूल्स. तो BDAI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल दिस थिंग्स आर वर्किंग फॉर द यूजेस ऑफ बायोफ्यूल्स.
Now, considering the food grain security in the country, major crops may be spared as potential source of biodiesel production. तो naturally हम move करेंगे second generation की तरफ और हमारा पूरा ध्यान इसी पे रहेगा कि second generation biofuel industry जो है उसको promote करें ना कि first generation को करें. Active involvement of private sector, public-private partnership की इसमें ज़रूरत है. Alga have been in contention as one of the major source of biodiesel. Cultivation of alga does not necessarily need prime agricultural land. तो alga जो है वो बहुत ज़्यादा beneficial है तो alga का use किया जाना चाहिए. India has great stock of biomass for cellulosic biofuel production. Cellulosic ethanol जो है उसका बहुत ज़्यादा potential है हमारे पास, तो cellulosic ethanol जो है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं. और दूसरा है ये alga based biofuel. So this is all about the biofuel, their potential, technology, prospects in India. Hope you like this lecture. Please keep on commenting and please keep on listening to the lectures. Please keep on revising so that you can remember all these facts in prelim examination and analysis in the main examination. Thank you very much once again.